पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत भवन में नगर निगम कर्मचारियों की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर विनोद अग्रवाल ने निगम के एससी एसटी ओबीसी यूनियन के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शहर विधायक रितेश गुप्ता ने नगर निगम कर्मचारी संघ की इकाई को शपथ दिलाई। मेयर विधायक ने संगठनों की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। कोरोना काल के बाद इस बार नगर निगम कर्मचारी और एससी एसटी संगठनों का आम राय से गठन हुआ। निगम कर्मचारी संघ में अध्यक्ष मोहम्मद सुभान और महामंत्री मोहित चौहान दूसरी बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संघ में 12 पदाधिकारियों की कमेटी बनी। एससी एसटी पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष राज अम्बेडकर को दोबारा चुना गया। स्मार्ट साउंड। Smart sound. हमें शासन में रहकर सत्ता में रहकर हमें भी अपनी कलम को बचाते हुए सब कार्यों को करना होता है। हम लोग निर्माण के कार्य भी कराते हैं, विकास के कार्य भी कराते हैं, सफाई का दिन में 6 बजे उठ के मेरा कर्मचारी रात तक कार्य करता है। अगर एक दिन सफाई कार्य ना हो तो पता चलता है कि मीडिया के बंधु मेरे यहाँ बैठे हैं तो अगले दिन ही कूड़े के ढेरों के फोटो छपने शुरू हो जाते हैं। कहीं भी गड्ढा हो जाता है तो उसके भी हमारे चित्र तत्काल, और मेरे निगम के अधिकारी कर्मचारी उनको अगले दिन ही तत्काल में फॉलो अप के तौर पर उसको ठीक भी करते हैं कि लगातार पिछले 22 वर्षों से आप लोगों ने जिस जिम्मेदारी से और जिस कर्तव्य निष्ठा से हर त्योहारों पर कार्य किए हैं, मैं कहता हूँ कमियाँ रहती हैं, सारी कमियाँ एक साथ पूरी नहीं हो सकती, परंतु हमने नगर के विकास में चाहे वो पेयजल हो, रोज सवेरे 4 बजे मेरे नलकूप पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है वो सवेरे 6 बजे उठ के जब पाइपलाइनों में पानी चालू करता है तब पता चलता है कि 5 बजे जाकर लोगों के घरों में पानी आता है। क्या कभी किसी ने महसूस किया है कि अगर आप बाथरूम में खड़े हुए साबुन लगी हुई है और नल की टोटी से अचानक पानी चला जाए तो आप याद किसको करोगे? सीधा म्युनिसिपैलिटी के नगर निगम के आदमी को याद करोगे कि लो पानी चला गया और साबुन लगी रहे। पर लगातार 22 वर्षों में इस नगर निगम ने लगातार शुद्ध पेयजल समय से हर वक्त उपलब्ध कराया। सर्वप्रथम मैं आज इस सफलता समारोह में जिन पदाधिकारियों ने शपथ ली है उन सभी को अपनी हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही ओजस्वी विचारों से अपने मार्गदर्शन दिए हैं इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के लिए, सही पदाधिकारियों के लिए। उन्हीं से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके इस निर्वाचन के उपरांत आपकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। आपका दायित्व केवल इस पद को ग्रहण करने का ही नहीं अपितु कर्मचारी हित के काम करने का भी है। आपकी जिम्मेदारी इस प्रकार बढ़ जाती है, कर्मचारियों के क्या क्या देयक लंबित हैं, उनकी पेंशन की स्कीम्स में क्या क्या चीज़ लंबित हैं, उनका लीव रिक्वेस्टमेंट है या उनके मेडिकल क्लेम्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसी का उत्तरदायित्व निभाने के लिए संभवतः आपको दोबारा ये मौका दिया गया है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप एक सामंजस्य बनाकर, चाहे अधिकारी के स्तर पर हो
माननीय पार्षदों के स्तर पर हो या हमारे नगरवासियों के स्तर पर हो, उनकी कोई समस्या है तो आगे बढ़कर आप आएँ और कार्यों को पूरा करें, कर्मचारी हित के कार्य करें। उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि अधिकारियों की पूरी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। धन्यवाद अंकित जी, आपने बधाई दी मुझे और समस्त मीडिया बंधुओं का आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जो मेरे आह्वान पर आप लोग पधारे, मैं हृदय गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से हमारी बात मीडिया में रखते हैं और जिसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं तीसरी बार नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पद पर कर्मचारियों की मेहरबानियों से आया हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विभिन्न विभागों के समस्त कर्मचारियों ने अपने से चुनाव का विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष हैं सुभान जी और महामंत्री मोहित चौहान रहेंगे, मैं उनका ये कर्ज, उनके प्रेम का ये कर्ज नहीं उतार सकता, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल मेरी कार्यशैली का, तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा जो तीसरी बार उन्होंने मुझे चुन लिया, तो मेरी कोई पॉलिसी या कोई नई बात नहीं है। कर्मचारियों के लिए जो भी समस्या पैदा होगी उसको कराता आया हूँ और आगे भी कराता रहूँगा और कर्मचारियों को इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विभागीय समस्याएँ तो बहुत छोटी सी हैं, अगर मेरे कर्मचारियों को, ये मेरा परिवार है नगर निगम, अगर मेरे कर्मचारियों की घरेलू समस्याएं भी हैं तो उसके लिए भी एम सुभान अध्यक्ष तत्पर रहेगा और उनके लिए मैं सेवा करता रहूँगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।